दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस। ये बैक साइड है। वो बंदी अच्छी इंग्लिश क्या बोल रही थी कि भाई बंदा दूसरी दुकान में सेम टोपी से 500 रुपए की मिल रही थी, वो नहीं लिया। सुबह हो चुकी है, जय बत्रा, पागल हो चुका है। अब हम लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, मोस्टली आज म्यूजियम और फेरी का टूर करेंगे। तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है और एक लौंडा पीछे पागल हो चुका है। लेट्स रॉक इट। इंस्टाग्राम को अपना वो यूजर नेम दे रखा है यार, देख रहे हो? मुझे बड़ा ब्लॉगर बनना चाह रहा है। इंस्टाग्राम जोजो अंटर अंडरस्कोर एरमोली ऐप, एरमोली ऐप। कलर देख लो यार, सतरंगी सतरंगी अतरंगी लोग, सतरंगी अतरंगी कलर। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो सी है मेरी आज, पता नहीं क्यों। मे बी इसलिए कि सोया ही नहीं हुआ है। नाउ आई फील वाइब। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है भैया। भैया आवाज़ आती रहेगी, बेल्ट लगा लो। है भैया उल्टा कर रखा है तूने क्या? भैया आवाज़ आती रहेगी, बेल्ट लगा लो यार। बोला था ना थोड़ी देर में बारिश दिखाऊंगा, एक घंटे में बोला था। एक घंटा तो छोड़ो, 10 मिनट हुआ है अभी बस। कैब से उतर भी नहीं पाए एंड बारिश इज हियर। समझ जाओ फिर क्या होने वाला है हमारे साथ। घर ही भागेंगे हम मोस्टली यार, सस्ती यार घूमने के लिए। हाँ लंबी राइड थी ना, लंबी राइड थी 100-200 रुपये में। बढ़िया मज़ा आया, समझ रहे हो? 200 रुपये में इतना घूमने मिल रहा है कैब में। 200 तो टिप के समय साथ है, साथ में दे देते हैं हम तो। ऐसे ही बोल देंगे, ऐसे ही बोल देंगे कि दो एक दो घंटा घुमाते, बोर होंगे तो। ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग खाने के लिए। हाँ सेंट पीटर्सबर्ग का तीसरा दिन है, कुछ नहीं किया है, कुछ कर रहे नहीं है, सो रहे हैं। आलस अभी भी बहुत है, सो भी नहीं रहे हैं मगर पता नहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। पता है क्या हुआ, सड़कों पे घूमने जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ना डॉम्बे वगैरह कोई मिस कर रहे हैं, वही बेटर था। तो भाई अब हमने कश्मीर नाम का एक रेस्टोरेंट ढूंढना है, इंडियन या पाकिस्तानी जो भी होगा वहाँ जाएंगे। और एक्सपेक्टेशंस तो मेरी बिल्कुल ही लो है क्योंकि कहीं अच्छा मिल नहीं रहा। बट इसके बाद हमने और भी रेस्टोरेंट्स देखे हैं, एक ओ मुंबई, एक दिल्ली दरबार के नाम से। तो मेरे को लग रहा है वहाँ का अच्छा, वहाँ शायद से हम रात को ट्राई करेंगे, नहीं तो कल तो मोस्ट प्रोबेबली कर ही लेंगे। देखते हैं कश्मीर में जाके कैसा खाना होता है, क्या होता है। दिस इज हाउ कश्मीर लुक्स लाइक। हेलो यहाँ बैठो, चार के खुशबू तो ठीक आ रही है भाई, जो भी खुशबू सही आ रही है। यहाँ पे घंटी भी पड़ी है और गणेश जी भी है, इंडियन रेस्टोरेंट है मतलब। और गाने भी अपने इंडियन चल रहे हैं। A few moments later दाल ऑर्डर करी थी, उसके नाम पे आया ये कैजिकल। देख रहे हैं शॉट देख यार, शॉट देख। अब आयुष शुक्ला इसको टेस्ट करके बताएगा। सही है यार, मतलब अच्छा कर चुका है, थमता नहीं है। पिसी हुई दाल होती ना, जो पिसी हुई मूंग की, जैसे सूप में नहीं बना के लेते, जब लूज मोशन लग रहा था तो पतला पतला पीते खिचड़ी टाइप। लेकिन टेस्ट इज ओके, आई विल नॉट लाई, टेस्ट हमारा आलू का परांठा है, ये हमारी दाल है और ये जय की पावी हो रही है और ये चपातियाँ हैं और ये हमारी चपातियाँ हैं कश्मीर स्टाइल, मोटी। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ सब्जी भी अगर ये लोग दे दिए थे तो हम कुछ खा लेते। हमको इनके स्टाइल बिल्कुल समझ में नहीं आया। पहले लाके दाल धर दिए, फिर रोटी धर दी, फिर उसके बाद आलू का पराठा धर दिए। समझ नहीं आ रहा। अभी हम जाएंगे केलॉग्स लेंगे, दूध की बोतल लेंगे, उसमें केलॉग्स डाल के आराम से पिएंगे, एंजॉय लेंगे। अब भाई अब मैंने डिसाइड कर लिया, फुल ऑन लग्जरी चलेगी। मैं ब्रेड भी लूँगा और बटर भी लूँगा। गर्ल्स जरूरत ही नहीं है, जितना बटर मीठा होता है उससे ज़्यादा ब्रेड मीठी है। जरूरत नहीं। कल सुबह टोस्ट करेंगे बढ़िया ब्रेड और बनाएंगे केलॉग्स वलॉग्स। केलॉग्स बनाएंगे और ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। नहीं अभी लेंगे, आज आज लेंगे आज
लेके रहेंगे, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रशियंस. ये साले मतलब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं लिटरली चाहता हूँ कि इनके शेफ़ को बुलाओ. इसने ना बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है उसकी मेन्यू में. मैं इनके शेफ़ को बुला के उससे बात करना चाहता हूँ कि तू कब से इंडिया नहीं गया ये बता. हाय, अब खाने के बाद क्या करा जाता है? मुंह सही किया जाता है भाई, क्योंकि यहाँ का खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है. मैं बोल रहा था टेडी बेयर की दुकान है, मानता नहीं है. रशियन एक आदमी शायद पिया हुआ है, भंड है, टैक्सी वाले को गालियाँ दे रहा है. भीड़ जमा होने वाली है, हमने तो घेरा बना लिया है. क्या है ना, भर भर के शादी हो रही है. लाइक बहुत बारिश आया है, बहुत बारिश आया है. वो कैसा लग रहा है क्या, क्योंकि क्लैरिटी डाउन हो गई थोड़ी सी. हाँ डाउन हो गई है. वो साफ करना पड़ेगा क्या, मुझे लग रहा है. हाँ सो भर भर के शादियाँ हो रही माय फ्रेंड्स. पर हम लोगों ने प्राइवेट टूर बुक कर लिया है एंड विल सी शो यू गाइस. प्राइवेट टूर नहीं बुक करा, सॉरी. हम लोगों ने प्राइवेट टूर पब्लिक वाला बुक कर लिया जिसमें बहुत सारे लोगों को, बिकॉज हम पहले प्राइवेट करना चाह रहे थे, बट इट वॉज लाइक यू नो कि तीन लोग ही हम बैठे रहेंगे, कुछ नए लोगों से शायद दोस्ती वोस्ती होगी तो तुम लोग को दिखाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. और सच बात बताऊँ तो सस्ता भी था. चलो मिलते हैं 9:30 पे. Two hours later. तो भाई ऐसी कुछ एंट्री दिखती है और पीछे बैठते हैं, सबसे सोफे वाली सीट है तो इस पर बैठते हैं ना. हाँ ठीक है. हेलो, ओके. थैंक यू. तो भाई अंदर से कुछ ये ऐसी दिखती है, बढ़िया मज़ा आ रहा होगा, टेबल लगे हैं, डिनर लगेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है. 700 रुपये की टिकट है, एक घंटे का टूर है. बाहर बैठो, इन्जॉय लो, बस यही है. देखो बार भी बना रखा है मगर है कुछ नहीं इंक्लूडेड, और मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं. कुछ 7-9 बच्चों के और अभी तक सारे स्टूडेंट्स तो आए नहीं, सारी सीट्स खाली पड़ी है. लगता है मास्क बंक करा सबने. और जो मेरे को समझ आ रही है, एक बात मेरे को ये समझ आ रही है कि 700 रुपये सवारी हल्की है, भारी तो है. यहाँ पे 9:30 बजे का टाइम था और 9:30 में हम आगे बैठे हुए हैं गधों की तरह. ये भी पता है क्या हुआ है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, बत्रा को पता नहीं है मैंने क्या किया था कि वो वाली छोटी पड़ गई थी, प्राइवेट वाली बुक कर ली है. अब ये बहुत खाली खाली लग रहा था तो 2-4 लोगों को बैठा लिया साथ. नहीं तो तू लग्जरी करना चाहता था ना. प्राइवेट ही है, प्राइवेट है, वो 2-3 लोगों को ना पता से बैठा लिया गया है कि भाई बहुत खाली लग रही थी, अच्छा नहीं लगता इसलिए बैठ जाओ. दिस इज प्योर लग्जरी माय फ्रेंड. समझ रहे हो ना. तो बात ये है, इसके कहने का मतलब ये है, ये 2,000 की 3 टिकट्स नहीं आई, ये 2,00,000 की 3 टिकट्स आई है. साथ में सबको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. 20,000 रीजनेबल बोलना था क्या? चलो जी 20,000 मान लो. तुम लोगों को बताते हैं, हम लोग ना बाली नहीं मलेशिया था ना, मलेशिया एक ही बात थी. हाँ तो हम लोग ये मलेशिया में थे, मलेशिया में हम लोग किसी वाटर पार्क गए थे जहाँ पे हॉरर का कुछ था, अब भट्टी में तो सबकी थी. हम लोगों ने बनाया गाना और पूरे उसमें ना हॉन्टेड हाउस में हम ऐसा गाना गाते चले कि वो भाई सोना कितना सोना है, सोना जैसे इंग्लिश भाई, सोना हैज बीन सोना फॉर मी, सोना सिमिलर सोना पर. और सब गा रहे थे भाई सब, तो बाद में जितने इंडियन सारे गा रहे हैं. आखिरी में क्या हुआ कि भाई वो आके बोलने लगा हमको कि तुम इतना हल्ला करोगे तो भूत डर जाएंगे. ये अपना हीरो नंबर वन देख रहे हैं इसको, आवर हीरो नंबर वन. Она стала использоваться в качестве главной политической тюрьмы России. Одним из первых ее узников стал царевич Алексей, сын Петра I. Сейчас мы выходим в акваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга. Акватория Невы регулярно становится местом для... Look at this, guys. Now, this is what I am...
Часто проводятся соревнования по парусному спорту. Показы военных кораблей Вистка всегда имела немало поклонников, средствами которых она пользовалась, доводя их до разорения, а то и до тюрьмы. По приказу Екатерины II, относившейся серьезно к посягательствам на трон, женщину арестовали, допрашивали в крепости, и в конце концов она умерла там от чахотки, так и не раскрыв своего происхождения. देखो मिलिट्री के ये लोगों ने तो पोप लगा रखे हैं ऐना भी ना डोप जोप माया करो साडे आले ले देख रहे हो तो पोप बहुत अच्छे और है भाई पुतिन भैया बिल्कुल पावर ऐसे ही नहीं दिखाते ऐसे ही अमेरिका की नहीं बढ़ती रशिया के नाम से दोस्तों यहाँ ही नदी नहीं रही यहाँ ये तालाब बन चुका है छोटा सा गहराई खत्म हो चुकी है अब मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक जैसे स्टेबल पुस्तू की रिकॉर्ड इले भाई मगर इससे सारी में हो 7 मीटर शॉट की भाई गाइड ये रुक गया сейчас проваинге находится музей Екатерины экспозиция начинается уже во дворе где можно побродить среди военной техники look at this guys now this is what I am talking about соревнования по парусному спорту показы войны специально не меняли в память о годах блокады, когда зоопарк не прекращал свои работы. Часть зверей и сотрудников не были эвакуированы во время Второй войны. Около 2 десятков человек кои би видео кои би пикчер дикхай би сакти ки Россия ме кя ачха хай кя не Сент Питерсбург из лайк आर्किटेक्चर है यार पूरा मतलब आओ और एक से एक बिल्डिंग है मतलब क्या ही बोलूं मैं यार जस्ट कैन नॉट ये यूट्यूब को कुछ दिखाई नहीं सकता कि क्या देख रहा हूं मैं ये मुझे को पकनीच के कहां खाना खाने जा रहे हैं ब्रो तुम बोल रहे हो कि मरोगे ये आ गए हम अखा मुंबई मुंबई खाएंगे फिरंगी खा रहे सारे मुंबई में चलो मुंबई चले घुसेंगे मुंबई भगवान जी आएंगे दाल मखनी खिलाएंगे ओ तेरी बंदर लग रहा है भाई ये तो भगवान के दर पे आया दाल मखनी खाने दाल मखनी खाने सर कल आ जाना 1 बजे सर खिला दो यार बिल्कुल सर बहुत लेट आए वो देखो मेरे सब निकल रहे हैं दाल मखनी खिलाने वाले 5 जगह खाना खा चुके हैं कोई बात नहीं कल आ जाना सुबह 1 बजे आ जाना सर खिलाएंगे छठा जगह हमारा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं अक्खा मुंबई परेशान हो जाएगा भैया भैया ब्लॉगर आदमी है अगले देखो आपको फेवर सेलेक्ट करेंगे भाई कोई भी आ जाए निकलेस को भी बोला हुआ है भाई वो भी लिखता होगा तो बोलता होगा कि 10 बजे से पहले आ जाना दिल में आराम से टाइम लेके आना खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर बात करके लेकर The next day दिन है चौथा एक दो क्लब दिखाया आपको और एक घंटे का वो जो टूर दिखाया था शिप पे वो दिखाया है क्योंकि हम दिन में निकलते हैं 3-4-5 बजे जैसे आज 4:30-4 बजे निकले हैं और ढूंढने निकलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट वापस आ गए हम ओ मुंबई में जहाँ हम कल खाने को नहीं मिला था क्योंकि बंद हो गया था ठीक है ना अक्षय ढूंढता रहेगा चल मेरे को करवा देगा तेरे बिना ए फ्यू मोमेंट्स लेटर खाना नहीं दे रहे तुम लोग मेरे को यार मैं ही टेस्ट करना चाहिए था मैं गलत मैंने चीज़ें कटवा लिया अपना टेस्ट ना करके चिकन भी कर ही ले तूने अपने लिए मंगाया जो कर ले एक सेकंड में यार कर ले खत्म कर फिर अभी तक का जो जो है ना बेस्ट है आप दाल सही है यार ओके रिपोर्ट भाई ओके रिपोर्ट चिकन बन जा रहा जो भी बोलते हैं यहाँ पे हाँ भाई चिकन खाएगा भाई भाई को चिकन खाना ही था चिकन बन जा रहा जो कि एक्चुअल में कढ़ाई चिकन है भाई दाल मखनी रिपीट कर देना हाँ और पानी दे दो यार पीने को भैया पानी दे दो और वो लेमन बोला था भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे है मान मान भी देख के मज़ा आ रहा है अब तो मेरा चावल खाने का मन होने लगा अक्षर को देख डाइटिंग भैया बटर नान अच्छा बटर नान मिला प्लेन नान मिला
बहुत गर्म है यार, चल रहे हैं। अरे भाई तेरे को 4 मिनट लग चुका है पता, टेस्ट करके बताने में। भाई गर्म इतना है, मुंह जल जाएगा एक बार में। थैंक यू भैया, बहुत ज़्यादा एक गड़े प्याज दिखा दे यार, मैं पागल हूँ प्याज देख इंडिया के। प्याज मिला भाई, प्याज मिला, प्याज मिला, प्याज मिला, चिकन मज़ा आ गया। अब खा के बाद में करेंगे भाई, खा के बाद करेंगे। तो हमारा भाई बतरा बोल रहा था उसको डिज्नीलैंड जाना है, बट ये डिज्नीलैंड नहीं है, दिस इज चर्च। और इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द सेवियर स्पिल्ड, नहीं चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड। अब पता नहीं कौन सा सेवियर, कौन सा ब्लड और कहाँ पे स्पिल हुआ है, बट यू गाइस कैन सी बढ़िया कैनाल है। एंड देन देयर इज दिस चर्च। अगर हम चलेंगे जल्दी जल्दी ना तो हमें को बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज वी हैव टू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। सो बकल अप। सो ओ फक, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे दिखाऊं भाई, ये मना क्या हुआ है। बट उसने यस बोला ना, तो चलते हैं फिर आजा। भाई लोगों कैमरा बंद है, अलाउड नहीं है, सो वी विल मे बी लेटर। भाई लोगों ये चर्च से होके आ गए हैं, अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड थी नहीं, बट अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा बना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब। और मैं होली प्लेसेस गया, मतलब ऐसे इन जगहों का कोई फ़ैन नहीं हूँ, बट मज़ा आ गया यार विज़िट करके। एक अंदर ना अलग ही शांति सी, बहुत पीसफुल जगह लग रही थी, मन कर रहा था कि खड़े रहूँ। पता नहीं मेरे को ऐसा कैसे हो गया, मतलब मैं कहीं विज़िट नहीं करता, बट सही में यार मज़ा सा आया, नया एक्सपीरियंस था। जाऊँगा अब इंडिया में भी हर जगह पे। ये हमारी लिस्ट है जो हमें आज से लेके कल तक में ख़त्म करनी है, और अब हम जा रहे हैं। ये बतरा है ये व्लॉग में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ही इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ब्लॉगर एट द रेट शेबतरा डॉट कॉम रिपोर्टिंग। वी आर हेयर एट सेंट इसाक कैथेड्रल, लेट्स सी यहाँ कुछ टिकट्स का प्रोसीजर है या क्या सीन है। यहाँ मिलते हैं टिकट। एक बात बता, तूने टोपी कितने के लिए बता, टोपी कितने के लिए? टोपी मैंने लिए ये, उसने 750 रुपये पहले मांगे, तो रूबल फिर मेरे को, मैंने कहा 500 दूंगा, फिर उसके बाद उसने मना कर दिया। और उसने बोला मेरे को, कहती आगे इस दुकान में मिल जाएगी, मैं उस दुकान पर गया, उसने मेरे को 500 का रेट बताया, तो उसकी मार्केटिंग स्किल्स ऐसी थी, मैं वापसी आके 700-750 की ली। उसके बाद मैंने फ़ोटो खिंचवाई, फिर मेरे को आयुष ने भी जिद करा कि भाई ले, इज्जत की बात है, खर्च दे 750। मैंने ले ली, तो उसके बाद जब मैंने फ़ोटो खिंचवाई तो मेरे को एक बात पता चली कि मेरे को उसने और आयुष शुक्ला ने मिलकर टोपी पहना दी। ओ भाई साहब, ये बंदा, वो बंदी अच्छी इंग्लिश क्या बोल रही थी कि भाई बंदा दूसरी दुकान में सेम टोपी जो 500 रुपए की मिल रही थी वो नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये उस दुकान में मिलेगी 500 की। तो इसाक कैथेड्रल में एंट्री होने वाली है, भाभी के साथ तो अलग जा रहा। टिकट्स खरीदी है, 2 टिकट्स थी, एक 400 की जिसमें नीचे देखोगे, प्लस एक 400 की जिसमें ऊपर से भी देख सकोगे, जो वो कह रही थी ऊपर की लो तभी मज़ा आएगा अपनी कुछ टूटी फूटी इंग्लिश में। तो टोटल 800 रुपये का खुला खर्चा करने के बाद अब देखेंगे चर्च कैसा होता है, और मतलब कहते ड्रियल। और मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग तो अंदर अलाउड होगी नहीं, होगी तो भाई तो 5 ही है, तो 6 क्यों निकाला। एंजॉय लेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर केम आ गया मैं। ओ भाई घंटी देख कितनी बड़ी है, अपने आप में घंटा है। अरे भाई पहुंचो, करो किलो का एक पैर हो गया, धक्का दे रहा है यार तू। ओ भाई मेरे पैर भारी हो गए, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। रुक जा भाई, लोग खड़े तो खड़े रहने दे, उनको, मैं भी इंसान हूँ, मैं जानवर थोड़ी हूँ। हे भगवान, मैं पहुँच गया भाई इसके बाद तो सोएगे, तुम दिखाना नाइट लाइफ व्लॉग पे, मेरे को नहीं दिखानी।
क्या है यहाँ पे यार, बस व्यू, ये व्यू है यहाँ पे एक по проекту Василия Баженова для императора Павла I. Сейчас здесь размещается коллекция Государственного русского музея. Сарколи е, ульта кя жа рэ? Лог рук гэ. Цветные эмалевые и золочёные купола храма Воскресения Христова или Спаса на Крови, как его ещё называют. कुछ कुछ तो ये लोग बता रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि ये लोग यहाँ पे भी रशियन यूज़ कर रहे हैं। टूरिस्ट का इन लोगों ने पैसा तो ले लिया है, बट देन दे आर ओनली यूजिंग रशियन। देखो मैं सारी जगह तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना चाहिए, हर बार बता ही देता हूँ मोटी मोटी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि अम्बानी के पास कितना नोट है वो गिनने की, और या ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक आने की, तो बड़े भाई नोट गिन लो, नोट गिन लो, जल्दी गिन लोगे। इट वॉज हार्डली 10 फ्लोर गाइस। भाई तो 90 साल की बुड्ढी के नज़रिए से देख, मेरे शरीर पे ऐसे हो चुका है। शरीर पे काम करो, कमजोरियाँ पे काम करो, और बकचोदियाँ कम करो। यस गाइस, यस द व्यू इज़ गुड। मैंने ना पूरा राउंड घुमा दिया तुम लोगों को, ऑलमोस्ट हम यहाँ से आए थे। नाउ आई विल क्लोज दिस एंड वॉच इट माई सेल्फ एंड सो नाउ आई वॉच इट माई सेल्फ एंड देन I will not click pictures of Batra because he has not clicked any good pictures of me since last 2 days. So I am done clicking his pictures. Chalo, milte hain. Niche jo hum enter kar rahe hain, upar to wahi matlab view tha bas. Woh mazedari nahi thi jaane wali. But niche jo hum enter kar rahe hain, woh achhi jagah hai, wahan pe aao. Thodi peaceful jagah hai. यार क्या बताएं, वो इन लोगों ने मतलब कैसे बनाते होंगे उस टाइम पे, अपने आप में एक बात है। इस टाइम पे भी ये चीज़ें नहीं बन सकती जो उस टाइम बन गई। यहाँ पे शांति है, अच्छा लग रहा है। कैथेड्रल का व्यू फिर से देख लो, ये अच्छी दिखेगी भाई फोटो में। वो ऊपर वो जो लोग खड़े हैं वो गोल चक्कर सा बना हुआ है, वहाँ तक गए थे। पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, स्किल्स है नहीं मेरे पास। ये वाला लिख देंगे ब्रो, टेंशन ही नहीं है। बट आई थिंक वीकेंड बहुत सही मनाया जाता है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है मेरे को। पूरा रिकॉर्ड किया मैंने,
5 मिनट। सूरज अभी भी तना हुआ है बिल्कुल मजे में। और ये कालू भाई ना जो नाच रहा है ना भाई, क्या बताऊं, रेसिज्म में नहीं बोला, नाम नहीं पता इसलिए। कल तुम लोगों ने ये देख ही लिया है, हमने कल ऑलरेडी तुमको दिखाया हुआ है ये। आज बस हम पैदल आए हुए हैं, कल हम गाड़ी में आए थे, बोले तो बोट में आए थे, बोट में बोले तो क्रूज में आए थे, क्रूज में बोले तो याच में आए थे, याच में पता नहीं किस में आए थे वेंचर। रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट बुला ले फिर यही ब्यूरो ब्यूटी पे। भाई पीटर्सबर्ग में मजा आ गया, पीटर्सबर्ग में मजा आ गया, क्या बोलूँ मैं, सेंट पीटर्सबर्ग मजा लूस्ट। मतलब जिसको अगर आर्ट वार्ट पसंद है, जिसको आर्ट वार्ट पसंद है वेलकम, वो तो यहाँ पागल ही हो जाएगा। जिसको नहीं भी पसंद है ना तो भाई जून जुलाई के महीने में आओ, 10-12 दिन वॉक ही कर करके मजा आता रहेगा तुमको। चलो भाई लोग घर जा रहे हैं, घर जाएंगे, ब्रेड खाएंगे, बटर लेना पड़ेगा, सूखी ब्रेड गरम कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कल यही था भाई। A few moments later.